हमारी प्रिंसेस भी जा रही है कैसल में से, तो पैसे वसूल हो गए मेरे तो। वाओ, इतने छोटे बच्चे को मत लेके आओ। अमेजिंग। ओहो, ये बड़ी गलत बात है। वो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं ये। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे लग गया ये? हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत मुबारक तुहानू सब नु गुरपुरब दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरपुरब दी सारे नु लख लख वधाई। तो गुरपुरब दे शुभ दिहाड़े आज एक और बच्ची का जन्मदिन है, जिसका जन्मदिन मनाने ही हम यहाँ आए हैं, और वो है ये आज हो गई है पूरे 6 साल की। नो, नाइन। ओ नाइन, नाइन। सिक्स ओवर। ओके ओके, नाइन। फ्लिप इट ओवर। ओके, नाइन। थ्री प्लस मोर। सिक्स प्लस थ्री। मैच नहीं हो रहा, 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज इसका बर्थडे है, और इसके बर्थडे के शुभ अवसर पर मम्मा ने स्पेशल शर्टें बनवाई हैं। आर्या बर्थडे गर्ल है। गेस कर लिया होगा, देखिए ऑलरेडी का। और पीछे भी मुड़ो, पीछे भी मुड़ते। पीछे क्या लिखा है? आर्याज नाइन्थ बर्थडे। ये मम्मा ने पहनी है, और एक्चुअली डैडा ने अपनी नहीं बनवाई, क्योंकि डैडा ऐसे नहीं हो सकता, वो फाड़ देनी है उसने। डैडा बर्थडे गर्ल, ये स्पेशल इस दिन के लिए बनवाई गई है। So embarrassing to wear that. Can I say where we're going? Yeah. Of course. Disneyland. ये देख रहे हो आप गुब्बारे हमारे रूम में, ये सारे कल रात को मैंने और जस ने मिल के काम किया। ये आर्या सो रही थी, तो आर्या को जब आर्या उठी तो आर्या को ये सारा रूम मिला है सजा हुआ। ये देख लो जस जी का, आर्याज नाइन्थ बर्थडे। तो ये हमने कस्टमाइज करवाई थी टी शर्ट्स, और मैं ये कनाडा से लेके आई थी। सो बस अब निकल रहे हैं, उबर बुलाने लगे हैं। आज डिज्नीलैंड का हमारा प्रोग्राम है। बताओ तो, यार जितनी लंबी उबर है डिज्नीलैंड की उबर, भाई साहब एक 40-45 मिनट्स की उबर करवा रहे हैं। इतना मैं कह रहा हूँ बस पे चल लो, 2 घंटे लगेंगे, बस बैठ जाओ बस पे। नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी एनर्जी सेव करनी है, आज हम कंजूसी नहीं करने वाले। $6 पे पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, उबर में 10 टाइम्स मनी लग रही है। 3 बजे पहुंच जाएंगे डिज्नीलैंड। एक्चुअली हम लोग ना सुबह सुबह पहले सोचा था निकल जाएंगे 7-8 बजे, फिर ये कहती है कि मैंने वहां फायरवर्क्स देखने हैं, फायरवर्क रात 9 बजे होने हैं और वो खुला हुआ है रात को 12 बजे तक, तो इसलिए हमने यहाँ 10 बज गए हैं, अब निकलेंगे 11:30 पहुंचेंगे। हमारी क्षमता इतनी है नहीं डिज्नीलैंड की। डिज्नीलैंड में आपको पता है मैं तो राइड्स इतना लेते नहीं, तो जो जो इजी राइड्स होंगी लेंगे। बच्चे का मन है, हम उसको लेके जा रहे हैं। मैंने पग बननी है, वो मैं खतरनाक राइड्स में लेना नहीं चाहता और मैं लेता भी नहीं, मेरे में हिम्मत ही कोई नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि हमने टिकटें ले ली हैं, राइड हमने पूरी लेनी नहीं, लेकिन हम सिर्फ प्लेस विल चेक द प्लेस अराउंड घूमेंगे कि व्हाई इज इट हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। जाके आज आपको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इट्स द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड मैजिकल प्लेस ऑन दी, ऐसे बोलते हैं, मतलब भाई जाके देखें। बिकॉज मिकी है वहाँ, मिनी, एंड हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड जब 100th ईयर डिज्नी का हो चुके मूवीज मेक करते हैं। अच्छा, ओके चले नेहा जी। चलो जी, ओके जी, लेट्स गो। चल पड़े हैं भाइयों बहनों आज हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ के लिए, लेकिन ऐसी कोई प्लेस होती नहीं है हैप्पीएस्ट प्लेस। डोंट वरी इफ यू थिंक दैट डैड इज नॉट वेयरिंग द शर्ट, ही इज जस्ट अंडरनीथ। वो एक्चुअली कह रही है कि मेरी शर्ट के नीचे है, तो मैं वहाँ जाके ये उतार दूंगा और ऐसे ही घूमना है, हमें पनिशमेंट मिली है आज। तो हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ पे जा रहे हैं। यार ये पैटियो पे कब बैठेंगे हम ऐसे, बाहर चाय पियेंगे, उधर पानी में से मैं नहा के निकलूंगा। नहा के नहीं होता, स्विमिंग करके हो। हमारे लिए हम तो नहा के आते हैं, स्विमिंग आती नहीं हमारे को। डिज्नीलैंड पहुंचने वाले हैं और 1 मिनट में मैं ना नहीं कह रहा हूँ, मेरे दिल कुछ हूं डिज्नीलैंड पहुंचते। कहती है दिल को छोड़, बिल तो भरे गए सारे, बिल की फिक्र क्या करनी है, वो तो अब तो जाके देखेंगे। वो दिस इज एल ट्रैफिक। द ग्रेट येलो सन इज रिफ्लेक्टिंग इन योर डीप ब्लू आईज, द डे हैज बिगन। स्वागत है दोस्तों आपका हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ पे। पता नहीं कितनी को हैप्पी है, आर्या तो बहुत हैप्पी है हमारी। दैट्स ऑल मैटर टू अस। अभी अभी यहाँ पे पीछे टैक्सी ने ड्रॉप करा इधर इधर, और अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। टाइम हुआ है 11:23, 11 बजे 11:15 पहुंच गए हैं, तो इसीलिए रात तक रुकना है। तो ये लिखा है थीम पार्क ऑन द लेफ्ट, डाउनटाउन डिज्नी ये लिखा है सामने, सो फॉलो द क्राउड। या ये सारे लोग जो जा रहे हैं, ये सारे राइड्स में खड़े होंगे, मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ राइड रहने ही दो, ऐसे घूम फिर के चलते हैं वापस। अगर इनका ऐसा होना चाहिए, अगर तुमने राइड्स में नहीं जाना तो पैसे कम दो, आधे पैसे दो, तो अंदर घूम के चले जाओ। सो जी ये तीन तरह की डायरेक्शन बनी हुई है। एक है कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क के लिए,
जो कि इस तरफ है, होटल्स जाना है किसी ने इधर है, और हमने जाना है डिज्नीलैंड पार्क, वो इधर है। हमने एक्चुअली हमने टिकट ली हुई है पार्क हॉपर, पता नहीं कितना जा पाएंगे दूसरे पार्क में। हैव योर बैग रेडी फॉर इंस्पेक्शन, रिमूव आइटम फ्रॉम पॉकेट। ओके, अच्छी खासी सिक्योरिटी वगैरह हुई है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसी सिक्योरिटी थी। Very nice. और अब उसके बाद आ गए हैं, तो वही है आपके पास बताया, अंदर बढ़ते ही ना एडवेंचर पार्क इधर है, डिज्नीलैंड पार्क इधर है, हमने डिज्नीलैंड पार्क से शुरू करना है। तो गाइस आपको टिकट्स मिलती हैं, टिकट्स को जो टिकट्स आपको मिलेंगी आपको जाके रिजर्व करनी पड़ेगी, आप कौन से पार्क में जा रहे हो पहले। हाँ, क्योंकि हमने पार्क हॉपर ली थी। हाँ। तुम इंडिविजुअल एक ही ले सकते हो, शायद वन पार्क ही भी ले सकते हो। बट हाँ। हमने ली थी पार्क हॉपर ये सोच के कि हम हॉप कर जाएंगे, बट कितना कर पाएंगे पता नहीं। हाँ, बट ये खुले हुए रात 12 बजे तक बेटा, 12 बजे तक टाइम है लाडो, पूरा बेटा ऐसे पैसे वसूल करके जाना है बेटा, खर्चा बहुत हुआ है बेटा, ध्यान रखो इस बात का। एंट्रेंस आ गई है, टिकट्स अब दिखाएंगे यहाँ पे, वो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं आर्या को। पार्क में एंट्री हो गई है, तो भाइयों बहनों एंट्री हो गई है, और उसके बाद ना उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात बताई है, वो ये कि आप ले सकते हो बर्थडे बटन फॉर फ्री एंड और हमें भी मिल सकता है, दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। थैंक यू सो मच, ओके आई एम सेलिब्रेटिंग, ओ हैप्पी बर्थडे आर्या, इजंट दैट ग्रेट। वो वाइफ तो है, नया है मतलब, है मतलब नजारा है वैसे, आपने भी लगा ली है, मम्मा को मम्मा लगा देगी बेटा, नजारा तो है भाई साहब यहाँ, यहाँ तो मिड नाइट तक यही है, मैं नहीं जा रहा कहीं नहीं, मिड नाइट से पहले मैं तेरे को बता दूँ, इट इज मैजिकल ये वाकई यार, ये तो ड्रीम कम ट्रू टाइप है ये। मैंने अपना लेटर भी नहीं लगाने का मन था मेरा, वही ना हमने आर्या का नाम नहीं छुपाना, हैप्पी बर्थडे, सारा पार्क आर्या को विश करने वाला है अब। सो भाइयों बहनों एंट्री करके जब आए तो सबसे पहली चीज आती है डिजी एना, मैं आपको पूरा टूर बना के दिखाऊंगा फर्स्ट क्लास। वाओ व्हाट्स दैट, देखो बलून्स, कोई परेड निकल रही है। हाँ, दिस इज डिज्नी स्टोरी प्रेजेंट्स द ग्रेट मोमेंट्स विद मिस्टर लिंकन। वाओ ओपरा हाउस, टूर की शुरुआत हुई है हमारी ओपरा हाउस से। तो भाइयों बहनों एंट्री के बाद पहली चीज थी ओपरा हाउस से देखा है, इसमें लिंकन साहब की थोड़ी सी ना मतलब कुछ एग्जीबिशन टाइप है, अच्छी बनी हुई है, और ये ह्यूज क्रिसमस ट्री है यहाँ पे, अभी इसे आगे पिक्चर ले लेते हैं हम, ये बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है। कितने बजे लाइट अप होता है? 5:30 पे लाइट अप होता है, बहुत ही प्यारा। ये था गिफ्ट सेंटर था ये तो मैं इनको निकाल लाया, मैंने कहा क्या करना है गिफ्ट सेंटर, आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसे। तो इसके नीचे गिफ्ट मिलेगा, मेरे को मिलेगा गिफ्ट वगैरह कुछ के नहीं? आज मैंने इसको बोला आज तेरे को इतने सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे गिफ्ट, जो जो मिल रहा है ना यहाँ पे चलते हुए राह चलते हुए लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, सो इतने लोगों ने विश कभी नहीं किया होगा, क्यों? मेरे को लग रहा था कि आज रश कम है, लेकिन आज तो आज भी बहुत ज्यादा रश है, ये तो हम तो लॉस्ट टाइप है, हम तो लॉस्ट टाइप है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है। देखो कैसल आ गया, कैसल आ गया सामने भाई, आ गया कैसल, डेकोरेशन करी हुई है, डेकोरेशन जो भी हम उसकी डेकोरेशन है ना सारी क्रिसमस की। हाँ, ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज, म्यूजिक चल रहा है, आहो पूरा इन्होंने नया कार्टून में जैसे होते हैं घर ना, जो वैसे ही घरों में जो शॉप्स बनाई हुई हैं टी कॉफी, वेरी नाइस विलेज, हाँ दैट्स राइट। तो भाइयों बहनों चलते चलते आ गए हैं वो सामने कैसल की तरफ, आ गए ना मिस्टर मिस्टर वॉल्ट डिज्नी, डिज्नी हू क्रिएटेड डिज्नी। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी हुई है नेहा यहाँ है भाई साहब, चीज तो मतलब चीज तो है यहाँ, बात तो है यहाँ से आने की, सच बात है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ भाई मजा आ रहा है, लो
जी हमारी प्रिंसेस भी जा रही है कैसल में से, रश बहुत ज्यादा है। सारा लाइट बड़ी फसल है ना, पानी में से ठंडी ठंडी छींटे पड़ रही है, अच्छा लग रहा है। वाह तो भाई लोगों अब शुरू होता है असली जो है ना इम्तिहान। यहाँ पे 50 मिनट की वेट है, यहाँ 25 मिनट की वेट है, और यहाँ पता नहीं कितनी देर की वेट है, देखते हैं चल के। भाई लोग डिसाइड ही हो रहा है कि जिनी वाली टिकट ले लेते हैं, $30 और देते हैं पर पर्सन, बिकॉज 40 मिनट 60 मिनट की वेट है लाइनों में। हाँ, और ना ये नेहा कह रही है ज्यादा नहीं, हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन इसको ये नहीं पता चल रहा कि टाइम बहुत है जरूर, लेकिन हम थक जाएंगे। और हमें यहाँ पे टेस्ट मैच की तरह खेलना पड़ेगा, नहीं T20 नहीं है, हमें टिकना है पिच पे, जितनी देर टिकेंगे ना रन अपने आप बनेंगे। क्या क्या है इसलिए आउट नहीं होना हमने। नया नंबर आ गया है दोस्तों, ये ना मेरे को लग गया है यहाँ पे स्कैम है थोड़ा सा, ये बाहर दिखाते हैं 15 मिनट में ही नंबर आ गया है, ये चाहते हैं कि तुम जिनी प्लस ले लो। मैं लेने लगा था जिनी प्लस, नया रोक दिया, नया कहती रहने दे। सो वही बात हुई है, देखो नंबर आ ही गया ऑलमोस्ट, आ गया है नंबर 15 मिनट में गाइस, इसके बाद बड़ी खतरनाक राइड में जाना है, डर तो नहीं लगेगा नया इसमें? अच्छा इसमें डर गए तो मर गए। ओ चल गई, हाय 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 हाय, चल गया चल गया। वो बेल्ट बेल्ट थी इसमें, यू शुड वेयर अ बेल्ट। हाँ बेल्ट बांध लूं। ओ ये हैप्पी बर्थडे शोल्डर्स एज लॉन्ग एज आई एम एबल, अगर मेरे ऐसा गधा बैठ सकता है घोड़े पे आप भी बैठ सकते हो। एक बार तो बैठे थे शादी के बाद। हाँ शादी के बाद तो बैठ गए। सो भाई लोगों हम आ गए हैं डम्बो में आधे घंटे की वेट है। हमने पता करा यहाँ जिनी पास नहीं चलता, क्या बोला उसने? वो कहती है लाइटनिंग लाइन इस वाले में नहीं है। तो किस में है फिर ऐसे, अगर हम जिनी पास ले लें और ये करना हो फिर भी लाइन में लगना पड़ेगा? तो देख के तुम्हें लेना पड़ेगा राइट एट दैट मोमेंट, अगर तुम्हें लग रहा हो कि जिसमें तुमने जाना है। भाइयों बहनों नंबर आ चुका है, आधे घंटे की वेट हुई है, मैंने बैठने अकेले 12 नंबर में और इन्होंने बैठने 11 नंबर में, ये 11 नंबर में बैठ रहे हैं और मैं इधर 12 पे। हेलो बाय, बेल्ट लगा लेते हैं भाई साहब, आपको तो पता है मैं तो डरता बहुत हूँ। चल पड़े जी चल पड़े, हम चल पड़े हैं। मैं तो खिसकी जा रहा हूँ इधर। बाय ये। तो भाई साहब मेरे को समझ नहीं आ रही थी, सारे ऊपर थे मैं नीचे था, पता लगा ये बटन दबाना होता है, इसको करो तो नीचे इसको करो तो ऊपर। अच्छा अरे वाह मजा आ गया यार, वेरी नाइस। ओहो ये बड़ी गलत बात है, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं, बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं और हमारे लिए तो इतना बहुत है, इतना छोटा था ना वो बेटा पीछे ना गिर जाएं। लेकिन अच्छा बहुत था यार, अच्छा लगा तेरे को? वेरी नाइस आई एंजॉयड। कहती है मेरे पे गुस्सा कर रही है, मेरे को कहती है आधे घंटे से घुमाई जा रहा है इधर उधर, कहाँ जाना बता ना, मैं जैसे 10 बार आ गया हूँ ना यहाँ। आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि मेरे को लग रहा है टाइम कम पड़ गया यार। टाइम कम पड़ गया, और तो आर्या ले गई उस तरफ, मैंने कहा बेटा वो ट्रेन पे जाने को कह रही है, अगर ट्रेन पे तू ना लेके गया तो इसने मेरी रेल बना देनी है। $209 का नुकसान हो गया, पानी की बोतल खरीद ली, यहाँ फाउंटेन था, अभी वसूली कर लेंगे। अब मैं वो पूरा पानी पी जाऊंगा अभी, मैं अभी यहाँ पे ना पैसे के बारे में सोचते नहीं है। अच्छा क्यों, यहाँ पे सब कुछ फ्री है? तो हम खड़े हैं ट्रेन स्टेशन पे और ये देखो आराम से कोई यहाँ बैठ के ना वो किताब पढ़ रहा है ऐसे नीचे बैठ के आराम से, मैं भी ऐसे बैठता हूँ, तुम सारी राइड कराओ फिर मेरे को उठा लेना, ठीक है? हमने ऐसी टिकट के पैसे, मैं तुम्हें जीनी प्लस के पैसे दे देता हूँ, तुम सारी राइड कराओ जाओ, इतनी आसानी से नहीं छूट पाओगे, तो जीनी पास ले दो और आप भी जाओ। यार मैं क्यों जाऊंगा यार, ये चक्कर लंबा लगवाओ, इनको बोलो कम से कम हमें एक घंटा बिठाओ। हाँ तो लोग क्यों लाइन में खड़े हैं, वहाँ एक घंटे ही खड़े होंगे। एंट्रेंस हमारी ये है, ट्रेन में जाने की काफी लंबी ट्रेन है एंड आई थिंक 10 मिनट की राइड है।
फटाफट आ गया नंबर इसमें तो चल पड़े हैं ट्रेन में. For a safe ride, remember to stay seated with your hands, arms, feet and legs inside the train. And please watch your kids. In the blink of an eye and move out. You get a real nice view of the happiest land of them all, Fantasyland. Be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. Oh, bhai sahab, maza hi aa gaya. Main to isko kam mein aa kar raha tha. मजा आ गया यार, तो पैसे वसूल हो गए मेरे तो. लावा बहुत ज्यादा दुनिया है, बहुत ज्यादा रश है. आप देखो हालत भाई, सब प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है, पूरा हर स्टेशन भरा हुआ है, हर स्टेशन भरा हुआ था. अगले यहाँ बहुत भीड़ है, अगली राइड पे चलते अब आगे हम आगरा वही स्टेशन आ जाए ना जहाँ से शुरू हुए थे, तो वहाँ तो उतरना ही पड़ेगा. क्यों, सही बात है, अच्छी है. दो बैठ के अपना एंजॉय करो, पूरे चक्कर हाँ, नज़ारा अच्छा दिखाया है इन्होंने. बीच बीच में आपने देखा ही है, आया सब कुछ. हाँ, डायनासोर वगैरह. यहाँ के आगे वाली जनानी की चेन ही फंस गई थी इसमें, भी थे, उसके नाखून भी थे. कम ऑन माय लव, बड़ा मजा आया यार. जब थक जाओ ट्रेन में बैठ जाओ आगे. वैसे भी गाइस जीनी प्लस की सर्विस मिली नहीं थी, तो मैंने ट्राई करी है जीनी प्लस लेने की. वो पता है क्या होता है, बार बार जब आई थिंक पार्क की कैपेसिटी हाँ. बढ़ जाती है वो कार्ट में जैसे ही ऐड होता है उसके बाद पेमेंट नहीं प्रोसेस होती, तो इसलिए वो हो नहीं रहा. लेकिन बड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स हो गए. कोई वहाँ शो चल रहा है पीछे, द टेल ऑफ लायन किंग. ये भाई साहब यहाँ पे जीनी और अलादीन है, ये मैजिक करेगा. थैंक यू. लाइकिंग फॉर यू इज ऑल आई नीड. भाइयों बहनों, जिस लाइन में हम लगे हुए हैं यहाँ पे काफी सारी वेट, बहुत सारी लाइंस क्रॉस करके इधर आ चुके हैं, और अब आके यहाँ पता ये लग रहा है कि ये राइड खराब हो गई है. एंड वो कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, वापस जाना है तो वापस मुड़ लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुमने आगे खड़े रहना है तो खड़े रहो. तो कई लोग निकल गए हैं, हम सोच रहे हैं क्या करें, निकलें के वेट करें. भैया ऐसा होता है मेरे साथ, हम स्कूल में एक बड़ी ऐसा हुआ था कि जब मैंने वो चीज छोड़ दी थी हाँ? तो फिर उन बंदों ने फिर वो छोड़ दी थी, और फिर हम इतनी दूर थे, और फिर से वो किसी और ने चांस मिस हो गया. मैं वही कह रहा हूँ, इतना आप आगे आए हैं तो लेट्स टेक अ चांस, आगे तक जाते हैं, देखते हैं, अगर हो मिल जाएगी तो तब तक ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे फिर. एक्चुअली 45 मिनट की राइड है ना, तो मन कर रहा है कि ऑलरेडी हमने इतनी देर तो लगा दी है हाँ. अब बस एक दो लाइनें और रह गई है हाँ. भाइयों बहनों, एक छोटे से टिप मेरे से ले लो, इतने छोटे बच्चे को मत लेके आओ, मत लेके आओ भी नहीं रहेगा. और दूसरी बात, गोदी में उठा के ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी. मैंने कई बच्चे देखे हैं गोदी वाले, वो सो चुके हैं, वो सो गए बेचारे बच्चे गोदी में ही. एक ये भी खड़ा है, एक ये भी खड़ा बेचारा, चैनल बने आया कोई चेन, और ये चेन से बांधना पड़ेगा बच्चे को, तो अभी ना ले जाओ. इतने छोटे बच्चों को याद नहीं रहना, पैसे वेस्ट होंगे, वो एंजॉय भी नहीं करेगा हाँ. तो मेमोरेबल आई थिंक 8-9 साल के 7 प्लस आई थिंक ले आओ, बहुत पेशेंस चाहिए भैया. हाँ, वो देखो बच्चा सो रहा है ऑलरेडी सामने गोदी में आंटी के. तो इतने मतलब इतना कोई नहीं, जल्दबाजी ना करो. मैंने तो आज ऐसे देखे हैं, ऐसे बच्चे भी, ऐसे लोग भी देखे हैं जो गोदी में उठाया हुआ था, बिल्कुल गोदी में, एक साल के भी नहीं होंगे, 6 महीने का बच्चा. फिर मैं मानती हूँ उनकी टिकट से कुछ ना लगे. हाँ, टिकट तो नहीं लगे, लेकिन फायदा नहीं ना, याद क्या रहेगा. तुम्हारे पे तो कितनी बुरी हालत होगी तुम्हारी, ये भी तो सोचो. भाइयों बहनों, ये हैप्पी डांस है, क्योंकि हमने लाइन से ना निकलने का फैसला सही निकला, राइड चल पड़ी है. हाँ, ये थी राइड, पानी में बैठ के जाना फर्स्ट क्लास. नहीं थैंक्स, तो मैं कौन हूँ, हमारा जी हमें परसुएट कर रहे थे कि रह लो लाइन में, रह लो. मैं हम कह रहे थे अब वो यार 45 मिनट तो हो गए हैं,
बट हमने अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, हमें 4 घंटे हो गए हैं पार्क में और 4 ही राइड्स हुई हैं। हाँ, तो 1 घंटे की एवरेज है। तो देखो कितनी देर हम क्या, कई कई जगह 5-5 मिनट की भी वेट है, तो वो सारी बाकी करेंगे। नंबर आ जाए ना, जब नंबर आ जाए राइड में तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी। रैली में ट्रेन वालों को बाय कर रहा हूँ, ऐसे रैली में जैसे देता आगे करते हैं। वैसे इतनी इतनी सारी वेट करने के बाद जब नंबर आता है खुशी बड़ी होती है। Amazing! This is the best ride so far, guys. अल्टीमेटली यही गोल होना चाहिए गाइस, पीस ऑन अर्थ। ओ बस चले गए खत्म। ओहो स्नो बेचारों ने रूल से बनाई है, हमसे ले लेते थोड़ी, हमारे से ले लेते थोड़ी आप, हम कहते हैं हम स्टैचू में डाल के ले आते स्नो आपके लिए। ओके ओ वाओ आ गए जी बाहर आ गए। भाइयों बहनों अगर आप इधर आ रहे हो तो ये वाली तो मिस नहीं कर सकते आप राइड। इस राइड का नाम है इट्स स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। बहुत ही अच्छी राइड है, लेकिन ना हमारे टाइम में हम आए हैं तो क्रिसमस का टाइम है, तो पता नहीं बाद में कैसी डेकोरेशन होगी। दिसंबर तक तो होगा। अगर आप अभी तो निकट भविष्य में आ रहे हैं तो जरूर आए। अच्छा किया हम लाइन से नहीं निकले, बहुत ही अच्छी राइड थी ये, बहुत ही अच्छी।